अब मेहमानों से कनेक्ट करके जरा जल्दी से एक टेक ले लेंगे कि उन सब का क्या सोचना है आज की पॉलिसी पे। प्रियंका, एब्सोल्युटली, लेकिन इसमें एक दो बात है, क्योंकि दो तीन बार उन्होंने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की बात जरूर की, उन्होंने ये जरूर कहा कि इन्फ्लेशन नीचे आया है, कोर इन्फ्लेशन नीचे आया है और वो मॉनेटरी पॉलिसी टाइटनिंग के चलते ही आया है। लिक्विड इन्फ्लेशन की जो स्टिकीनेस है उसको तोड़ने में कामयाब रही है आरबीआई गवर्नर भी, लेकिन एट द सेम टाइम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उन्होंने बात यूएस बॉन्ड यील्ड की भी की, उन्होंने डॉलर इंडेक्स की भी बात की और अनइवन मानसून की भी बात की। अब हमारे साथ चलिए पैनल भी तैयार है, उनसे भी समझ लेते हैं कि वो इस पॉलिसी को कैसे देख रहे हैं। हमारे साथ मनीष डांगी हैं, हमारे साथ प्रदीप अग्रवाल है, नहीं हमारे साथ अवनीश जैन है, हेड ऑफ फिक्स इनकम कैनरा रेबिको से, किशोर लोडा है सीएफओ यूग्रो कैपिटल से, स्वागता भट्टाचार्य है हमारे साथ चीफ इकोनॉमिक्स एक्सिस बैंक से। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ही, और हमारे साथ युविक का और साथ ही दीपक तो कोटक से बने हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। एक क्विक रिएक्शन, क्योंकि ये बाजार से जुड़ा हुआ होना चाहिए, मनीष डांगी से मैं पहले ले लेती हूँ। मनीष, आप पॉलिसी तो अच्छी ही दिख रही है, क्योंकि अगर आप देखें तो विदड्रॉल ऑफ अकोमोडेशन रहा, पॉलिसी चेंज कोई किया नहीं, मैन्युफैक्चरिंग कैपेक्स की उन्होंने बात कही, प्राइवेट कैपेक्स की, पीएमआई मैन्युफैक्चरिंग रॉबस्ट बताई सितंबर महीने में भी, और साथ ही दिस ऑल ऑगस्ट वेल फॉर इन्वेस्टमेंट एनवायरमेंट। आपको ये पॉलिसी से कौन सी की टेकअवेज रहे? तो पॉलिसी का जो बायस है रिलेटिव टू मार्केट एक्सपेक्टेशन वो देखा जाना चाहिए बॉन्ड मार्केट इक्विटीज और करेंसी के लिए, तो वो थोड़ा हॉकिश था। बॉन्ड्स के लिए जो सबसे बड़ा न्यूज था वो ये कि ऑफ कोर्स ओमो सेल्स अब रहेंगे, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा जो इंक्रीमेंटल एफआईआई अगर पैसा आता है तो वो न्यूट्रलाइज हो, और साथ साथ एक एक्चुअली जो टर्म प्रीमियम बहुत नीचे आ गया है शायद उसको आरबीआई वो ऑर्केस्ट्रेट करे कि वो ऊपर चला जाए, तो एक वो नेगेटिव है। दूसरा ऑफ कोर्स ऑब्सेशन विद इन्फ्लेशन जो वापस से आ गया है, 2-6% रेंज नहीं है अब 4% है, हालांकि कई बार पहले भी बोला जा चुका है, लेकिन एक कंफ्यूजन क्रिएट किया जाता है जब जब मार्केट के अंदर एक बिनाइन कंडीशंस आरबीआई चाहता है तो वो उस रेंज का सहारा लेता है जो 2-6 होता है, लेकिन राइट नाउ सारा ऑब्सेशन जो है वो 4 पे है, तो मेरे ख्याल से बॉन्ड इस बात को भी नहीं लाइक करेगा। तो शाम होते होते मेरे ख्याल से बॉन्ड जो है वो 5-10 basis points या शायद उससे ऊपर सेटल हो। इक्विटी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर प्योरली बैंकिंग के की तरह से देखें तो जो एक आध बार पहले भी आरबीआई ने इसको हिंट किया है, मेरे ख्याल से धीरे धीरे अब रेगुलेटरी कॉस्ट जो है पर्सनल लोन्स को अंडरराइट करने की वो बढ़ती चली जाएगी। आज भी गवर्नर ने एक जनरल गाइडेंस दी है कि आप लोग थोड़ा ध्यान रखें, थोड़ा एग्जूबरेंस में आकर के बहुत पर्सनल लोन ना दें, तो वो दूसरा एक हॉकिश बायस आप बोल सकते हैं रियल इकोनॉमी के लिए कि आरबीआई थोड़ा सा ब्रेक लगाने की कोशिश करेगा, जो जब जब क्रेडिट ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है तब तक ऐसा किया जाता है, तो दूसरा मेरे ख्याल से ये है। और जनरली मेरे ख्याल से ग्रोथ के ऊपर जो हम सभी को पता है कि इंडिया की कंडीशन डिसेंट है, 6.5% का ग्रोथ न बहुत एक्सेसिवली एग्जुबरेंट है न बहुत पेसिमिस्टिक है, तो मेरे ख्याल से मोर और लेस सारे एनालिस्ट इस पैनल पे भी कन्विंस होंगे कि आरबीआई का एक ग्रोथ का टारगेट ठीक ठाक है। और इन्फ्लेशन दोनों तरह की राय हो सकती है। एक जो गवर्नर ने फाइनल पॉइंट गवर्नर ने जो इस बात को उठाया है कि जो रिकरेंट जो फूड इन्फ्लेशन के स्पाइक्स आ रहे हैं वो ड्यूरेबल इन्फ्लेशन में कन्वर्ट हो सकते हैं, हालांकि कोर इन्फ्लेशन नीचे आया है, तो उसके उसको डिफेंड करने के लिए गवर्नर ने हिंट किया है कि आप मेरी पूरी पॉलिसी को ठीक से सुनिए और पढ़िए, और इवेंचुअली पूरी पॉलिसी को सुनने के बाद में ऐसा लगता है कि वो बायस जो है वो हॉकिश कन्वे करना चाह रहे हैं, डविश नहीं या न्यूट्रल नहीं। आपके हिसाब से कमेंट्री थोड़ी हॉकिश है बॉन्ड मार्केट के लिए भी और साथ ही बिल्कुल इक्विटीज के लिए भी, जिस तरह से आपने कुछ पॉइंट्स रेज किए। स्वागता भट्टाचार्य भी है हमारे साथ चीफ इकोनॉमिक्स एक्सिस बैंक के, उनसे समझते हैं कि उन्होंने इस कमेंट्री में क्या की टेकअवेज रीड किए। ऑफकोर्स एक चीज जो लास्ट बार से थी जो इंक्रीमेंटल सीआरआर थी एटलीस्ट वो फेज्ड आउट हुई है, उसकी भी बात उसका भी जिक्र किया कि एक्सेस लिक्विडिटी थी, कहीं ना कहीं वो टाइटनिंग तो हुई है। लेकिन स्वागता, आप कैसी दिखी आपको ये कमेंट्री इस बार की? थैंक यू आपके शो में मुझे शामिल करने के लिए। जैसे आप लोगों ने सब कहा, मेरे अंदाजा में मैंने बहुत कठोर हॉकिश पॉलिसी थे, बार बार फर्स्ट सेंटेंस से लेके लास्ट सेंटेंस तक के उन्होंने एम्फसाइज किया कि ये मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी अलर्ट रहे, रेजोल्यूटली फोकस्ड ऑन रिमूवल ऑफ अकोमोडेशन, ये सब ये एडजेक्टिव्स बहुत सारे बीच में थे, और लास्ट में उन्होंने कहा कि मैं 4% देख रहा हूँ, 2-6% नहीं। इसके साथ साथ जो
सरप्राइज रहा है, हम लोग सब मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उनकी इन्फ्लेशन फोरकास्ट जो उन्होंने मेंटेन किया है 5.4, हम आशा कर रहे थे, हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5.5 वगैरह करीब थोड़ा सा इन्फ्लेशन बढ़ा है. सो दैट इज ए लिटिल बिट कॉन्ट्ररी, जो उन्होंने उनके जो लैंग्वेज थे था वो उसका कॉन्ट्ररी था. थर्ड चीज जो आप लोगों ने कहा कि ये लिक्विडिटी मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि पहला चीज है ये जो ग्लोबल कंडीशंस है कि डॉलर इंडेक्स की स्ट्रेंथनिंग, यूएस ट्रेजरी के जितने रेट्स है वो बढ़ गया है, एनर्जी प्राइसेस बढ़ने की आशंका है, इसके मुताबिक जो 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 लिक्विडिटी कंडीशंस है ताकि रुपी हमारी इंडियन रुपी और डिप्रिशिएट नहीं करे, तो लिक्विडिटी को टाइट रखने की संभावना है. मतलब जितना भी ICRR करे, जो आप देखेंगे कि ये समय जो गवर्नमेंट स्पेंडिंग होता है अभी भी लिक्विडिटी सिचुएशन डेफिसिट पे पड़ा हुआ है, बहुत अनयूजुअल है ये समय, तो वो लिक्विडिटी से वो थोड़ा सा एक्सचेंज रेट को भी मैनेज करने की कोशिश करेंगे. ये दीज आर द मेन टेकअवेज. ग्रोथ तो है ही है, 6.5% की ग्रोथ फोरकास्ट है, बट पूरे जितने विश्व के ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स है, फेडरल रिजर्व, ECB वगैरह जितने भी हैं, सब ये हॉकिश स्टैंड मेंटेन कर रहे हैं, क्योंकि वो छोड़ना नहीं चाहते हैं कि ऑल द इन्फ्लेशन इज कमिंग डाउन, वो अपना जो कम्युनिकेशन है वो छोड़ना नहीं चाहते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट कंडीशन ज्यादा ईज नहीं है. ठीक है, किशोर भी हमारे साथ हैं, अविनाशी भी हैं. किशोर, पहले मैं आपके पास आऊंगा, आपका की टेक अवेज क्या था इस पॉलिसी को लेकर? एमपी, जैसा कि गवर्नर साहब ने बार बार बताया कि उनका प्राइमरी फोकस इन्फ्लेशन पे रहा है, इन्फ्लेशन, फूड इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ चल रहा है काफी समय से, और बीच बीच में काफी सारे प्राइस शॉकर देखने को मिले, जैसे पिछली पॉलिसी के आसपास हुआ था कि अचानक टमाटर के दामों में तेजी आ गई थी और फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के दामों में गई थी, और RBI का लगातार फोकस रहा है कि इन्फ्लेशन को किसी तरह से काबू में किया जाए. पहले हालांकि RBI रेट देता था कि रेंज देता था कि 2-6% के बीच में इन्फ्लेशन रहना चाहिए, लेकिन अब RBI लगातार पिछली कई पॉलिसियों से ये फोकस कर रहा है कि इन्फ्लेशन 4% तक लेके आया जाए. लेकिन जहां तक भारत का सवाल है, भारत में इन्फ्लेशन फूड इन्फ्लेशन की वजह से ही तेज है, लेकिन जहां तक अंतर्राष्ट्रीय बाजारों का सवाल है, कई सारी चीजें इस वक्त काफी असमंजस की स्थिति में है. अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में देखा जाए तो जो बड़ी इकोनॉमीज हैं वहां इन्फ्लेशन काफी बढ़ा हुआ है, प्री कोविड लेवल से काफी बढ़ा हुआ है. US, UK, हालांकि पिछले कुछ दिनों में उसमें थोड़ी सी स्थिरता नजर आई है, लेकिन अभी भी वो कंफर्टेबल जोन से काफी काफी ज्यादा है. इसके अलावा जो एक नेगेटिव इस वक्त दिखाई पड़ रहा है वो है कि क्रूड के प्राइसेस फिर से बढ़ने लगे हैं, जो कि भारत के लिए नेगेटिव है. तो इस तरह से देखा जाए तो यदि कोर इन्फ्लेशन में काफी हद तक कंट्रोल किया गया है, कोर इन्फ्लेशन पिछला जो डाटा आया था वो 4.9% का था, और उसका जो यदि फलों और सब्जियों और वेजिटेबल्स के प्राइसेस को हटा देते हैं, इन्फ्लेशन को हटा देते हैं, तो उसके उसको छोड़ के जो कोर इन्फ्लेशन देखा जाता है वो 5% से नीचे आ गया है. लेकिन अभी भी फलों सब्जियों और वेजिटेबल्स के प्राइसेस में अभी भी तेजी बनी हुई है, तो इन्फ्लेशन पे RBI का फोकस लगातार बना हुआ है, और इसके लिए RBI और सरकार दोनों तरफ से अलग अलग तरह की कोशिशें की जा रही हैं. जैसा कि हमने कुछ दिन पहले देखा था कि जो प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत जो गैस सिलेंडर दिए जा रहे हैं उसमें 300 रुपये की प्राइस की कीमतें कम की गई थी, और ये भी सुनने में आ रहा है कि अर्बन हाउसिंग के लिए सरकार एक सब इंटरेस्ट सबवेंशन की स्कीम ला सकती है, जहाँ की जो 50 लाख से नीचे के लोन है उन पे सरकार शायद कोई स्कीम अनाउंस कर दे कि इंटरेस्ट सबवेंशन का. तो इन्फ्लेशन पे एक की फोकस रहा है, और ये कोशिश की जा रही है कि इन्फ्लेशन को किसी तरह से काबू किया जाए, क्योंकि बाकी जो पैरामीटर देखेंगे, ग्रोथ, जहां तक इंडियन इकोनॉमी में ग्रोथ का सवाल है, वहां किसी तरह की असमंजस की स्थिति नहीं है. इस पर विश्व की यदि बड़ी अर्थव्यवस्थाएं देखेंगे तो इस साल भी भारत सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था होगी, और GDP की ग्रोथ का टारगेट इस साल 6.5% पे इंटैक्ट रखा गया है, तो ये एक अच्छी खबर है. और यदि पिछले कुछ वक्त के डेटा देखेंगे, PMI के डेटा देखेंगे, सर्विसेज PMI, मैन्युफैक्चरिंग PMI, तो इसके डेटा बहुत ही अच्छे आए हैं. तो उस तरह से यदि भारत की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो उसमें ग्रोथ की तरफ बहुत ज्यादा कोई कंसर्न नजर नहीं आ रहे हैं, लेकिन इन्फ्लेशन को लेकर RBI और सरकार दोनों काफी चिंतित नजर आ रहे हैं, और क्रूड के प्राइसेस को बढ़ना इस वक्त एक चिंता का विषय बना हुआ है. मैं आपकी बात समझ गया. स्वागता भी ये बात बोल रहे हैं, मनीष टांगी ने भी ये बात रखी है, किशोर आप भी ये बात बता रहे हैं कि इन्फ्लेशन को लेकर, क्रूड को लेकर, और ये जो स्टांस है
इसको थोड़ा आप हॉकिश ही मान के चलें। एक टेक अविनाश जैन से भी ले लेते हैं, उनका क्या इस असेसमेंट पॉलिसी को लेकर। जैन साहब प्लीज आप भी बताएं। पॉलिसी में ऑब्वियसली मार्केट का तो उम्मीद यही था कि कोई चेंज नहीं होगा, तो वो तो आ गया। बट आई थिंक सबसे बड़ा झटका लगा जब आरबीआई गवर्नर ने ओएमओ सेल्स की बात करी, क्योंकि ओएमओ सेल्स काफी सालों से हुआ नहीं है आरबीआई के उसमें। आई थिंक मेरे ध्यान में तो 4-5 साल से कुछ ओएमओ सेल्स का कभी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं किया है। वो करते रहते हैं थोड़ा बहुत डायरेक्ट स्क्रीन पे, बट मार्केट में, बट ऐसा कुछ उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं किया है अभी। आई थिंक वेट करेंगे। आई थिंक जो उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस होगा आरबीआई गवर्नर को खुलासा करेंगे, क्योंकि उसमें सबसे ज्यादा प्रश्न उठेंगे, क्योंकि इतना लिक्विडिटी जो बैंक के पास जो लिक्विडिटी माना वो बात कर रहे थे सिक्योर्ड लिक्विडिटी, वो इसकी वजह चलते भी है, क्योंकि अभी आपका 24/7 आरटीजीएस और एनईएफटी चलता है, उसके चलते बैंक्स को थोड़ा लिक्विडिटी रखना पड़ता है, और उसकी वजह से प्रॉब्ली उसकी लिक्विडिटी बैंक्स अपने पास रखते हैं। बट अभी हमें फिर पॉलिसी है, इसका प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी वेट करना पड़ेगा। मार्केट का रिएक्शन ऑब्वियसली नेगेटिव था, 4-5 बेसिस का ऊपरी मूव हुआ है मार्केट में, 7.27 का यील्ड हो गया, 28 का यील्ड, जो कि आई थिंक कि हमने जब अप्रैल में पॉलिसी में आरबीआई ने पॉज किया था उसके बाद दिखा था लेवल, वो लेवल वापस आ गया है, तो मार्केट काफी करेक्ट हो गया है नीचे से। आई थिंक ओवरऑल आई थिंक मार्केट अभी थोड़ा ट्रेडिंग रेंज में ही रहेगा, और कोई सरप्राइजेस नहीं लग रहे हैं आते हुए, तो उसके चलते मार्केट यहां से आई थिंक लगता है ज्यादा बिकअप नहीं होने वाला। ठीक है, जब हम बैंक्स की लिक्विडिटी की बात कर रहे हैं तो हमारे साथ खुद बैंक भी हैं, एक हमारे साथ बलदेव प्रकाश जी हैं, एमडी एंड सीईओ जेएनके बैंक है, उनसे बात करते हैं। बलदेव जी बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग सो पेशेंट। ये जो एक्सेस लिक्विडिटी की बात थी, और एटलीस्ट जो आईसीसीआर जो एक बड़ा बाउंसर लास्ट पॉलिसी में आया था उस पर भी गवर्नर साहब ने कहा, आपका क्या की टेक अवे रहेगा? बलदेव जी आप म्यूट पर हैं। नहीं, सबसे अच्छी बात यह है कि जो पॉलिसी रेपो रेट वो मेंटेन किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और आप देखेंगे कि बैंकों की क्रेडिट ग्रोथ वो अच्छी है, और मुझे लगता है कि उसमें उसको सपोर्ट मिलेगा, और जो क्रेडिट ग्रोथ अभी चल रही है वो बैंकिंग में क्रेडिट ग्रोथ कंटिन्यू रहेगी। दूसरी बात, इन्फ्लेशन जैसा एक्सपेक्टेड था वो थोड़ा हॉकी स्टैंड था, और ऑयल प्राइसेस थोड़े ऊपर हैं, सो ऑब्वियसली वो एक्सपेक्टेड था कि आरबीआई इन्फ्लेशन के ऊपर एक पैनी नज़र रखेंगे, तो वो मुझे लगता है वो ठीक है। लेकिन मुझे जो आरबीआई गवर्नर की स्पीच से अंदाजा लगा है उसके हिसाब से अक्टूबर में शायद इन्फ्लेशन कुछ ईज आउट होगा, और उससे ओवरऑल मार्केट के पॉजिटिव इम्पैक्ट होने के संभावना है। और तीसरा जो है, जो पर्सनल लोन की बात करी है रिजर्व बैंक ने, मुझे लगता है कि वो काफ़ी टाइम से आरबीआई इस बात का जिक्र कर रहे हैं, और वो लगता है कि बैंकों को पर्सनल लोन के कुछ सेगमेंट्स को बहुत करीबी से देखना पड़ेगा, और उसमें जहां जहां पर भी रिस्क असेसमेंट करके जो भी मिटिगेशंस करना है वो करने की जरूरत है। और जैसा कि आरबीआई गवर्नर ने कहा है कि अंडरराइटिंग जो प्रैक्टिसेस हैं बैंकों की उसको भी एक रिविजिट करने की जरूरत है। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि पॉलिसी अच्छी है, बैंकिंग की ग्रोथ के लिए अच्छी है, और कंट्री की ओवरऑल ग्रोथ के लिए बहुत अच्छी है। पॉलिसी आपको लगी बैंक्स के लिए अच्छी लिखी, और बैंक से फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की बात उन्होंने कही भी है। एक लास्ट क्वेश्चन मैं मनीष से लूंगी। मनीष, क्योंकि ये बात आपने जिस नोट पे स्टार्ट की थी और बहुत हद तक एक्सपेक्टेड लाइंस पे था कि हॉकिश स्टांस देखने को मिल सकता है, क्योंकि दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स के साथ वही सिनेरियो था। लास्ट पॉलिसी में एक ये सिनेरियो बन रहा था कि शायद टेबल पे एक आर्ग्यूमेंट ये भी छोड़ा जा सकता है कि आगे फर्दर क्या बहुत जल्दी शायद रेट कट्स ना दिखे हमें। ये बाजार पिछली पॉलिसी में भी यही एक्सपेक्ट कर रहा था। इस पॉलिसी से फर्दर रेट कट को लेकर क्या डायरेक्शन देखी जा सकती है, बाजार क्या पिक करेगा? बाजार में अगर कहीं भी छोटा मोटा स्पेस था, व्यू था कि अगर रेट कट आएगा तो वो कंप्लीटली रूल आउट कर देगा। देखिए, ये जो आरबीआई का सेटअप है, खास करके जो गवर्नर है, वो जनरली मोमेंटम नहीं खेलते हैं। बाजार की भाषा में अगर देखें, वो जनरली डिफेंस करते हैं, और एट टाइम्स जब बहुत ज्यादा कोई वन साइडेड नैरेटिव होता है तो उसके अगेंस्ट लीन करते हैं।
तो उन्होंने 2000 डिमोन के 2016 के बाद में, ये गवर्नर नहीं थे उस वक्त, पर 6% से नीचे रेट को जाने के लिए रोका था। उसके बाद में बहुत ज्यादा ऊपर ना जाए रेट, वो 2020-21 में उन्होंने ट्राई किया था। सिमिलरली एज ऑफ राइट नाउ जो है रेटें बहुत नीचे हैं हिंदुस्तान के अंदर रिलेटिव टू एनीथिंग एल्स इन द वर्ल्ड, तो वो नहीं चाहते हैं कि वो यहाँ पे इंडिया यूनिकली कहीं एक सेटअप पे पहुंच जाए जहाँ के अबनॉर्मली लो इंटरेस्ट रेट रहे। तो मेरे ख्याल से एक उनका जो जनरल व्यू है वही इन पॉलिसीज में रिफ्लेक्ट होता है। तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी दृष्टिकोण से कोई आदमी मार्केट के अंदर एज ऑफ राइट ना प्राइस करेगा कि रेट कट आए। इनफैक्ट मार्केट को ये फियर होना चाहिए कि आज आरबीआई अभी आकर के वापस से लीन कर रहा है कि शायद वो कंफर्टेबल नहीं है कि रेट यहीं रहे या लिक्विडिटी जो ऑलरेडी डिफिशियंट है वो उतनी रहे। तो मेरे ख्याल से वो टाइटन करना चाह रहे हैं कंडीशंस को, क्योंकि ग्रोथ पे कंफर्ट है और इन्फ्लेशन पे कंफर्ट नहीं है। जैसा सभी लोगों ने बताया कि 4% अब टारगेट है और चार चार अभी विसिनिटी में नहीं है, कहीं दिख नहीं रहा है दूर दूर तक चार हम कैच कर पाएंगे। और चारों तरफ से जो एक प्रॉब्लम है यूएस डॉलर क्रूड और यूएस ट्रेजरीज का, वो एज ए मैक्रो प्रॉब्लम इंडिया है। तो उस सिचुएशन में आरबीआई का एक जो जनरली डिफेंस और कॉन्ट्रा खेलना वो ठीक है, और मार्केट जो है वो कम्प्लीटली रूल आउट कर देगा कोई भी प्रोबेबिलिटी को कि रेट कट आए। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष, वेरी वेल रेटेड अबाउट इट कि ठीक है ग्रोथ को लेके तो एक कंफर्ट है आरबीआई गवर्नर के पास। और आज की इस खास मेगा कवरेज में बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। हमारे साथ मनीष डांगी, बलदेव प्रकाश जी, सौगता भट्टाचार्य, अवनीश जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हमारे साथ शशांक श्रीवास्तव, किशोर लोढ़ा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। युविका, थैंक्स सो मच फॉर बीइंग विद अस। एंड दीपक, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज समय देने के लिए। चलिए इसी के साथ इस कवरेज को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन बाजार कोई पॉलिसी पसंद आई है और आप देखें अच्छा खासा सर्ज देखने को मिला। आप 19650 के पास निफ्टी पर है। बैंक निफ्टी में लगभग कम से कम 250 अंकों का रनअप देखने को मिला है।